भाई साहब, आपकी बेटी तो बहुत ही प्यारी है, उसको तो बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। बहन जी, ये बात आपने एक घंटा पहले भी कही थी। तो हाँ ना, मैं तभी से सोच रही हूँ कि कहाँ कहाँ बात करूँ। तो फिर क्या सोचा आपने? एक दो घरों के अच्छे पढ़े लिखे लड़के हैं, मैं उनकी फैमिली से बात करके देखती हूँ। तो ये बात करके आप कब तक बताएंगी मुझे? इंशाल्लाह जल्दी। भाई साहब, एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? जी पूछिए, इसमें भला बुरा मानने की क्या बात है? लड़की का कोई चक्कर लगता है? खबरदार, खबरदार, अगर इस किस्म की बात मेरी बेटी के मामले में अपनी जुबान पर भी लेकर आई तो। भाई साहब, आप गलत सोच रहे हैं, हमें तो ये सब इसलिए पूछना होता है कि कहीं कोई बात ही ना हो जाए, बस इसलिए। बस अब आप जा सकती हैं, मुझे आपके जरिए रिश्ता नहीं करवाना, मैं खुद कोई रिश्ता ढूंढ लूंगा। भाई साहब, आप तो बुरा ही मान गए। देखिए बहन जी, मैंने अपनी बेटी का रिश्ता करवाना है, उसके किरदार का एक्सरे नहीं करवाना लोगों से। जाइए, तशरीफ ले जाइए, नहीं करवाना मुझे आपसे रिश्ता। ओ यार, तेन होया की आ? ए की? खोते वर्गा मुंह बना के बैठे है। क्या यार रमेश, हर वक्त इंसान का मूड नहीं होता मजाक का। ओ अच्छा अच्छा, गुस्सा छड़, ते दस होया की आ? यार रमेश, मेरा दिल बहुत बेचैन है। चल चल फिर डॉक्टर को चल। गधे, वो बेचैन नहीं, बैठ बैठ। ऐसा लगता है कि मुझे प्यार हो गया। वाकई? हाँ। किदे नाल? सोनी के दोस्त से। पता नहीं रमेश यार, ऐसी कौन सी खास बात है उसमें जो मुझे उसकी तरफ खींचती है? अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं उससे दूर नहीं हो पा रहा। ऐसा लगता है कि प्यार हो गया है। हाँ अच्छा, वो ये तो बड़ी खुशी की गल है नोपे, मैं तो खुशी नाल पागल हो गया। और तू फिक्र ही ना कर यार, ओ मैं हाँ ना, ओ सब कुछ अरेंज हो जाऊ, और तू दलेरी फाड़ दे आन की तैयारी कर। आ सत श्री अकाल। वाह भाई वाह। तरन जी खैर ते है ना? वो मेरे बचपन दे यार अनोपे ने पाकिस्तान आने का फैसला कर लिया, तो हुण इत्थे ही रहूगा हमेशा लई। ऐ ते बड़ी खुशी दी गल। ते नाल ओदी बुढ़ी भी आएगी ते दो तियां भी। अच्छा? हाँ, ओदियां तियां गुड़ियां वांगू सन, छोटियां छोटियां, जदों मैं उन्हां नूं वेख्या सी। हुण मां मेरा ख्याल है वड्डियां हो गईयां होणियां।